राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेस्ट टाइम फॉर बाथ, नहाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, किस समय में नहाना है सही, दोपहर का स्नान अशुभ क्यों है, जाने क्या कहते हैं शास्त्र। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, इसे नहाने के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं, उनको शिव या हरि मुहूर्त में अवश्य स्नान कर लेना चाहिए। दोपहर के समय में स्नान करना अशुभ माना जाता है। जानते हैं नहाने का सही समय क्या है। हिंदू धर्म में स्नान का बड़ा महत्व है। देवताओं का अभिषेक करते हैं तो मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, जबकि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति जैसी स्थितियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं। ऐसा स्नान महीने में दो बार या उससे अधिक हो सकते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों में प्रतिदिन स्नान करने के बारे में नियम है। जो व्यक्ति उसका पालन करता है वह सेहतमंद रहता है, अर्थात स्वस्थ रहता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि किस समय स्नान करना चाहिए, दोपहर का स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शाम को स्नान करने से क्या होता है, नहाने का सही मुहूर्त क्या हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आइए हम जानते हैं। स्नान करने का शुभ मुहूर्त, शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, इसे नहाने के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं, उनको शिव या हरि मुहूर्त में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। दोपहर के समय में स्नान करना अशुभ माना जाता है। यदि ब्रह्म, हरि और शिव मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते तो सायंकाल भी स्नान कर सकते हैं, इसका शास्त्रों में विधान है। स्नान करने का सही समय, शास्त्रों के अनुसार स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से सुबह 5:30 तक होता है। उसके बाद नहाने के लिए शिव मुहूर्त सुबह 6 से 8 तक का होता है। फिर हरि मुहूर्त सुबह 8 से सुबह 10 तक रहता है। यदि आप इन मुहूर्त में से किसी भी समय पर स्नान करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। दोपहर का स्नान अशुभ क्यों है? जो लोग सुबह 10 के बाद से लेकर दोपहर 12 के मध्य स्नान करते हैं वे रोगी हो सकते हैं। सुबह 10 से दोपहर 12 तक प्रेत मुहूर्त होता है। जो व्यक्ति प्रेत मुहूर्त में स्नान करते हैं उनका शरीर रोगों से घिर सकता है, उसके अंदर खून की कमी हो सकती है। यदि आपको किसी कारणवश दोपहर में नहाना आवश्यक नहीं है तो आप स्नान करने के बाद संध्या वंदना, आरती और गायत्री मंत्र जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप निरोगी रहेंगे और दोष मुक्त हो जाएंगे। शाम को स्कप करें स्नान। यदि आप सुबह के समय में स्नान नहीं कर पाते तो शाम को 4 से शाम 7 तक स्नान कर सकते हैं, उसके बाद संध्या आरती कर लें। स्नान से होने वाले लाभ, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उसे विद्या, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है। जो लोग हरि और शिव मुहूर्त में स्नान करते हैं उनको यश, कीर्ति, सफलता, धन वैभव, सुख शांति, आरोग्य मिलता है। सबसे पहले शरीर के इस अंग पर डालें पानी। नहाते समय पानी डालने की शुरुआत हमेशा सिर से करें। ऐसा करने से मस्तिष्क की गर्मी शांत होती है, लेकिन पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी इस तरह डालें कि आपका पूरा शरीर गीला हो जाए। नहाने के बाद न करें ये गलतियाँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। यह आदत इंसान के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालती है। जो लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन या पानी रखा छोड़ देते हैं उन्हें जीवन में कंगाली का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साफ सफाई न रखने वाले लोगों को शनिदेव का गुस्सा झेलना पड़ता है। सुबह के स्नान को धर्म ग्रंथों में 4 उपनाम दिए गए हैं। नंबर 1 मुनि स्नान, सुबह 4 से 5 के बीच किया जाता है। नंबर 2 देव स्नान, सुबह 5 से 6 के बीच किया जाता है। मानव स्नान, सुबह 6 से 8 के बीच किया जाता है। राक्षसी स्नान, सुबह 8 के बाद किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम है, देव स्नान उत्तम है, मानव स्नान सामान्य है, राक्षसी स्नान धर्म में निषेध है। किसी भी मनुष्य को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। जानिए हर स्नान के लाभ। मुनि स्नान घर में सुख शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना प्रदान करता है।
देव स्नान यश कीर्ति धन वैभव सुख शांति संतोष प्रदान करता है। मानव स्नान काम में सफलता भाग्य अच्छे कर्मों की सूझ परिवार में एकता प्रदान करता है। राक्षसी स्नान दरिद्रता हानि क्लेश धन हानि परेशानी प्रदान करता है। पुराने जमाने में इसलिए सभी सूरज निकलने से पहले स्नान करते थे, खासकर घर की स्त्री चाहे माँ के रूप में हो पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो। ऐसा करने से धन और वैभव लक्ष्मी घर में सदैव वास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार स्कंद पुराण में लिखा है कि रोज सुबह जल्दी नहाने से कौन कौन से 10 लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर एक, स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार जो लोग सुबह जल्दी स्नान करते हैं उन्हें पहला लाभ ये मिलता है कि वह सदैव सुंदर बने रहते हैं। ऐसे लोग लंबे समय तक जवान नजर आते हैं। नंबर दो, ऐसे स्नान से व्यक्ति के तेज में वृद्धि होती है। तेज यानी चमक, त्वचा का आकर्षण बढ़ता है। नंबर तीन, सुबह जल्दी स्नान से शरीर शक्तिशाली बनता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और कई मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। नंबर चार, सुबह जल्दी नहाने के लिए जल्दी उठना होता है, इस कारण वैवाहिक पवित्रता बढ़ती है, गलत विचार नष्ट होते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में सुबह सुबह के समय में विचारों की पवित्रता भंग होती है। नंबर पाँच, जल्दी नहाएंगे तो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी और इस कारण हमें श्रेष्ठ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। नंबर छः, जल्दी उठेंगे तो मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि के विकास से परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। नंबर सात, जो लोग सुबह सुबह सोते रहते हैं उन्हें बुरे सपनों का सामना करना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देने से अशुद्ध विचार और बुरे सपनों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर आठ, आलस्य दूर होता है, सुबह जल्दी जागने और नहाने का ये ऐसा लाभ है जो तत्काल प्राप्त होता है। जल्दी जागने से पूरे दिन आलस्य से मुक्ति मिलती, काम करने के लिए श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। नंबर नौ, जल्दी उठेंगे तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे, ये लाभ मिलेंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी। नंबर दस, शास्त्रों की मान्यता है कि जल्दी नहाने वाले व्यक्ति को घर परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जल्दी नहाएंगे तो दिन की शुरुआत जल्दी हो जाएगी, काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा, काम सही होगा तो स्वतः ही सम्मान प्राप्त होगा। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।